जैसा हो, वही कदम से कदम मिला सकते हैं जिनकी नजरों में मंजिल हो, वही कठिन राहों पे मुस्कुरा सकते हैं जिन्हें सफर से इश्क हो। तुम अगर शौक से चले आए हो तो लौट जाओ, क्योंकि हम तो हर दिन नई उम्मीद की बात करते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ सब जो भी बैठे हैं, कभी मन के पहले दिन के सफ़र से शुरुआत की है हम सब ने, तो बिल्कुल हम सब के ख्वाबों का रंग ही है। और क्योंकि हम चाहते थे कि कभी मन एक किताब के रूप में हमारे सामने आए, तो वो आज हमारे सामने है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स मेरा वो ही सही, एक साल से इस परिकल्पना से जुड़ा हुआ है, वक्त लगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सहयोग और धैर्य के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुक्ताकाश के बारे में मेरे अपने जो विचार हैं वो कुछ इस तरह हैं कि मन का पंछी जब उड़ान भरता है तो मन में कई भाव जन्म लेते हैं और ये भाव कलम के जरिए कागज़ पर उतरने की कोशिश करते हैं। कई बार कोशिश सफल रहती है और कई बार असफल। इन्हीं तमाम कोशिशों का साझा संकलन है मुक्ताकाश। मुक्ताकाश इसलिए कि मन के आकाश में उड़ते हुए शब्दों को कैद करने की कोशिश है ये, लेकिन ये कैद किसी पिंजरे जैसी नहीं है, एक आसमान सा पिंजरा है जहाँ पर मुक्त हो भर भाव कुछ मेरे, कुछ आप सभी के, कुछ पूरी कायनात के, और साथ बैठकर इन्हें गुने बुने सुने सुनाए एक दूजे को, सभी सरहदों के पार से हमारे साथ इसमें, इस किताब में, इस परिकल्पना में लोग जुड़े। कुछ लोग कैलिफोर्निया से हैं, कुछ मलेशिया से हैं, कुछ हिंदुस्तान के भी दूर दूर के कोने से हैं, कुछ लोग साउथ से भी हैं, कुछ मुंबई से भी हैं, पूना से, कुछ राजस्थान के भी अलग शहरों से हैं, और हमारे जयपुर के अपने लोग हैं। इस विचार को जब मैंने पंख देने की कोशिश की और इस संकलन को साकार रूप दिया तो इसमें मेरा साथ दिया 50 कवि मन ने, और ये सभी कवि मन अपनी ज़िंदगी के अनुभव साझा करते नजर आए। इन सभी भावों को जो आवरण दिया वो पद्मश्री तिलक गीताई जी ने दिया, और गीताई जी के इस सुंदर चित्र से इस किताब की अहमियत पहले पायदान पर ही बहुत अहम हो गई। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया फिर से अदा करती हूँ। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी नंद भारद्वाज जी से कि इस कवि मन के बारे में वो अपने विचार हमसे साझा करें।